ऑलराइट तो आज हमारे पास ब्लॉपंक का लेटेस्ट साउंड बार, इसका नाम है ब्लॉपंक SBA01 रिकर्व। 5,000 रुपए में आप इसको परचेस कर सकते हो, परचेसिंग में नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें आपको कोई भी एक्सटर्नल सबवूफर नहीं मिलेगा, जिनके पास जगह की थोड़ी सी कमी रहती है ये साउंड बार उनके लिए परफेक्ट रहते हैं। तो अगर आप भी साउंड बार लेने की सोच रहे हो 5,000 रुपए के अंदर एंड इस साउंड बार के बारे में आप और जानना चाहते हो तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। बॉक्स पैकेजिंग अगर देखी जाए तो हमें ब्लॉपंक SBA सीरीज वायरलेस साउंड बार मेंशन किया गया है। यहाँ पे इसका मॉडल नंबर मेंशन नहीं है। यहाँ पे QR कोड है, इससे आप काफी सारी चीजें अवेल कर सकते हो, लाइक कस्टमर केयर हो गया, वारंटी, यूजर मैनुअल वगैरह। मेड इन चाइना ये है एंड इसकी प्राइसिंग यहाँ पे मेंशन की गई है 8,499 रुपए। तो आप कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले है इसमें एक पाउच, तो यहाँ पे कुछ स्क्रू ड्राइवर है जिससे आप वॉल में माउंट कर सकते हो साउंड बार को। ब्लू डॉट ऑफ परफेक्शन है, QR कोड है, यहाँ पे एक RCA केबल, ऑक्स केबल, ये है इसका रिमोट कंट्रोल। तो रिमोट टोटली मैट फिनिश में आता है, ब्लॉपंक की इसमें ब्रांडिंग है। बैटरी साथ में प्रोवाइड नहीं करी गई है, 2 AAA बैटरीज आपको इसमें लगानी होगी। क्वालिटी इसकी डिसेंट है प्राइस पॉइंट के हिसाब से, सारे ट्विक्स वगैरह आप इससे कर सकते हो। तो साउंड बार टोटली प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है, फ्रंट पार्ट में मेटालिक ग्रिल है, टॉप पार्ट में ब्लॉपंक की यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई है, बॉटम पार्ट में 2 रबर पैडिंग्स हैं, पीछे के पार्ट में 2 वॉल माउंटिंग ब्रैकेट्स भी हैं जिससे आप इसको वॉल में हैंग कर सकते हो। राइट पार्ट में इसके सभी कंट्रोल्स हैं एंड यहाँ पे एक ऑक्स पोर्ट भी है। बैक पार्ट में अगर देखें तो यहाँ पे एक USB पोर्ट है, तो पेन ड्राइव वगैरह को आप यूज कर सकते हो। HDMI आर्क पोर्ट एंड ऑप्टिकल इनपुट का भी इसमें सपोर्ट है एंड साथ में है एक पावर केबल जिसकी लेंथ भी काफी ठीक ठाक है। तो इस साउंड बार का जो आउटपुट है वो है 100 वॉट। इसमें ड्यूल स्पीकर दिए गए हैं इसके फ्रंट पार्ट में, इसमें कोई भी बेस रेडिएटर का सपोर्ट नहीं है। फ्रंट पार्ट में एयर पास प्रोवाइड किया गया है फॉर बेटर बेस परफॉर्मेंस। काफी सारे इसमें कनेक्टिंग ऑप्शंस हैं, चाहे वो ऑक्स हो, USB, HDMI आर्क, ऑप्टिकल इनपुट, इवन ब्लूटूथ का भी इसमें सपोर्ट है। तो जितने भी ब्लूटूथ कंपैटिबल डिवाइस हैं आप उन सभी को इसके साथ पेयर कर सकते हो। ब्लूटूथ वर्जन इसका क्या है वो कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। तो इस साउंड बार को आप अपने सभी डिवाइस के साथ यूज कर सकते हो, चाहे वो PC हो, लैपटॉप, TV, मोबाइल, PlayStation, बहुत सारे इसमें कनेक्टिंग ऑप्शंस हैं, हर डिवाइस के साथ कंपैटिबल है। तो अब इसका एक साउंड टेस्ट हम कर लेते हैं एंड साउंड टेस्टिंग के लिए मैं यूज करने वाला हूं अपने प्रोफेशनल माइक्रोफोन का। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने हेडफोन्स का यूज करें एंड साउंड टेस्टिंग हम करने वाले हैं नॉन कॉपीराइट म्यूजिक पे, क्योंकि यूट्यूब में आ जाती है कॉपीराइट स्ट्राइक। तो अगर आप हिंदी या पंजाबी सॉन्ग्स में इसका साउंड टेस्ट देखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। What are you prepared to do?
I'm invincible. Your powers only make me stronger. So you can't be matched. You can't be controlled. तो अब बात करते हैं इसके साउंड आउटपुट की, कैसा है साउंड बार साउंड में परफॉर्म करता है। तो इसमें तीन साउंड मोड दिए गए हैं, न्यूज, मूवी एंड म्यूजिक। तो अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो तो म्यूजिक मोड पे आप इसको प्ले करें, उसमें हाईज, मिड्स एंड लो का परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको सुनने के लिए मिलेगा, बेस काफी अच्छा फील उसमें होता है। अगर आप न्यूज सुन रहे हो जिसमें वोकल्स की काफी जरूरत पड़ती है तो आप म्यूज मोड में कर दीजिए, बेस उसमें काफी कम हो जाता है एंड हाईज एंड मिड्स काफी शार्प आते हैं। अगर आप मूवीज देख रहे हो तो मूवीज मोड में आप कर सकते हो, मूवी मोड में इसकी साउंड काफी इनहेंस हो जाती है, बेस काफी तगड़ा आता है, जो डायलॉग होते हैं वो भी काफी पंची सुनाई देते हैं एंड जो एक्सपीरियंस होता है मूवी देखने का वो काफी इनहेंस हो जाता है। जब मूवी प्ले कर रहे हो तो मूवी मोड पे आप इसको प्ले करें। तो म्यूजिक मोड के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इसका जो बेस आउटपुट है काफी मुझे पंची लगा, हालांकि बेस इसका उतना डीप नहीं है क्योंकि इसमें एक्सटर्नल सबवूफर का सपोर्ट नहीं है। एक्सटर्नल सबवूफर वाले जो साउंड बार आते हैं वहां पे बेस काफी हमें डीप देखने के लिए मिलता है, बट इसका बेस उतना डीप नहीं है, बट स्टैंड अलोन साउंड बार के हिसाब से काफी पंची बेस ये प्रोड्यूस करता है, अच्छा खासा बेस आउटपुट आपको प्रोवाइड कर देगा। ट्रेबल्स में भी काफी ठीक है परफॉर्म करता है, ट्रेबल्स एक्स्ट्रा शार्प तो मैं नहीं बोलूंगा बट प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी मुझे ठीक लगे। मिड्स यानी वोकल्स की बात की जाए तो वो भी इसके मुझे काफी ठीक लगे, काफी सारा कंटेंट प्ले करके मैंने इसमें चेकआउट किया, वोकल्स में काफी ठीक है परफॉर्म करता है एंड मोस्टली जो साउंड बार्स होते हैं ये वोकल्स को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। डिस्टॉर्शन की बात करी जाए तो इसको मैंने मैक्स वॉल्यूम में प्ले किया यानी 100% वॉल्यूम पर एंड 80% से जैसे आप इसको ऊपर प्ले करते हो 90 या 100 पे तो हल्का डिस्टॉर्शन वहां पे फील होता है, बट 80% पे भी इसकी लाउडनेस काफी अच्छी है। लाउडनेस की बात हम कर लेते हैं तो 100 वॉट का साउंड बार है, अगर आप इसको 100 वॉट के टावर स्पीकर या ब्लूटूथ स्पीकर जो आते हैं उनसे कंपेयर करोगे तो ये साउंड बार उतना आपको लाउड या बेसियर नहीं मिलेगा, बट साउंड बार के हिसाब से इसकी लाउडनेस काफी ठीक है। अगर आपको बेस अच्छा चाहिए तो मीडियम साइज के रूम इसके लिए परफेक्ट है, इवन आप इसको हॉल में भी यूज कर सकते हो बट बेस वहां पे थोड़ा सा आपको कम फील होगा। तो अब बात करते हैं कि आपको इस साउंड बार को परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो 5000 की रेंज में आपको काफी सारे साउंड बार मिल जाएंगे मार्केट में, विदाउट एक्सटर्नल सबवूफर वाले भी एंड विद सबवूफर वाले भी, एंड वो साउंड बार भी तकरीबन इतने ही स्पेक्स आपको प्रोवाइड करते हैं। बट इस साउंड बार में मुझे एक चीज अच्छी लगी कि इसमें ऑप्टिकल पोर्ट का सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है जो मोस्ट ऑफ द साउंड बार में नहीं मिलता है इस प्राइस पॉइंट में, एंड इसका डिजाइन थोड़ा सा कर्वी है जो थोड़ा सा बेटर लगता है देखने में। मोस्टली साउंड बार्स आते हैं बॉक्सी शेप में। तो अगर आपका बजट 5000 रुपए है, आपको एक साउंड बार चाहिए जिसका बेस आउटपुट अच्छा हो, हाईज एंड मिड्स में जो अच्छा परफॉर्म करता हो, जिसमें काफी सारे आपको साउंड मोड्स मिल जाए, काफी सारे कनेक्टिंग ऑप्शंस आपको चाहिए, तो आप इस साउंड बार को चेकआउट कर सकते हो। बाकी आपके मन में कुछ और क्वेश्चन हो इस साउंड बार से रिगार्डिंग तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट करके। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो कर दीजिए लाइक। तो मेरा नाम है ऋतिक एंड मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।